सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू और गाइस आज मैंने सोचा कि मैं आप सबको अपने कॉलेज के दर्शन करा दूं, अपना कॉलेज दिखा दूं। तो आज मेरा पूरा दिन, मतलब देयर इज नो काम, ओनली कॉलेज वाला दिन है आज। तो मैंने सोचा आज इसको शूट कर लेंगे। तो जो लोग आ रहे हैं एटीएमसी में वो देख लेंगे कैसा है, और जो लोग आना चाह रहे हैं वो देख लेंगे, और जो लोग नहीं आ रहे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही रहेगा। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, बस जैकेट पहन के, शूज पहन के, एंड देन ऑल सेट टू गो टू कॉलेज। चलो चलते हैं। सो गाइस अब कर लेते हैं अपना कॉलेज के लिए बैग पैक। माउस ये आ गया, अपना चार्जर, गाइस खाना ले जाना बहुत जरूरी है। देखो इसमें है क्या है, राजमा और रोटी, काम रह गया, और वो है माइकी कार्ड रखना। ठीडिंग, इसके बिना कैसे जाएंगे कॉलेज। ये रख लिया हमने यहाँ पे। दोस्तों निकल पड़े हैं घर से स्टेशन की तरफ, लेकिन बारिश आ रही है। देखो छाता, कुछ नहीं पता मेलबर्न के मौसम का। तो मेरे स्टेशन का कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे ट्रेन रिप्लेसमेंट यानी कि बस लगी हुई है, जिसकी वजह से बड़ा गुस्सा आता है। और कह रहे हैं कि ईयर एंड तक स्टेशन बंद ही रहेगा, क्योंकि मतलब कम्प्लीटली नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो। तो भी आपको दिखाते क्या कुछ रहता है। ये बना हुआ है स्टेशन और यहाँ पे आ रही है बारिश। और ये आ गई हमारी रिप्लेसमेंट बस, जो व्हाइट कलर की होती है। मॉर्निंग। तो जी उतर गए नेक्स्ट स्टेशन पे, यहां से मिलेगी सिटी की ट्रेन। तो जी कट चुका है मेरा मेरा माइक ही टैप नहीं हो रहा था, और ये ट्रेन निकल गई सामने से। चलो जी आ गए आ गए। और भीड़ देखो, सुबह सुबह की भीड़ आई है, और आज इतनी नहीं है, वैसे बहुत होती है, मतलब खड़े होने की जगह भी नहीं होती इतनी। पहुंच गए मेलबर्न सेंट्रल स्टेशन। तो गाइस इस एलिवेटर का बताऊं, जिन्होंने खड़े होना है वो लेफ्ट साइड खड़े होंगे, जिन्होंने चल के जाना उन्होंने राइट साइड से जाना है। तो गाइस अब आ गए हम स्टेशनों के स्टेशन मेलबर्न स्टेशन। यहाँ पे मतलब बाहर निकलते ही मेलबर्न स्टेशन से आरएमआईटी यूनिवर्सिटी है, और मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से 11 मिनट की वॉक पे है। लेकिन मैं ट्रैम्स लूँगी और अपने पैरों को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहूँगी। स्टेशन कम शॉपिंग सेंटर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ये इनका मेन है, तो यहाँ पे सही है, मतलब इनकी कमाई भी हो जाती है। इन्होंने ये एज अ अट्रैक्शन पॉइंट भी बना रखा है। ये देखो यहाँ पे दुकानें खुल रही हैं। हेलो फ्रेंड, सुबह हो गई, दुकानें खोलो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो। और ये जा रही हूँ मैं बाहर, बाहर निकलते ही ट्राम स्टॉप दिखेगा। तो बाहर निकलते ही सामने आ गया ट्राम स्टॉप, यहाँ से ट्राम लो और भग लो। लेकिन मुझे ऑपोजिट साइड जाना है टुवर्ड्स द सिटी, तो मुझे दूसरी साइड जाना पड़ेगा। दूसरे एग्जिट से निकली हूँ, इसलिए आरएमआईटी यूनिवर्सिटी नहीं दिखा पाई। लेकिन वैसे जो मेन एग्जिट है स्टेशन की, जो बड़े वाली एग्जिट है, वहाँ से बाहर निकलती आरएमआईटी यूनिवर्सिटी आती है।
तो गाइज ये सामने पेडेस्ट्रियन लाइट दिख रही है जो ग्रीन कलर की होगी, जिसमें आदमी सा ये चल रहा है। तो जब ये ग्रीन हो जाती है तो पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करना होता है, तो हमने क्रॉस कर लिया है। और ये आ गई मैं अपोजिट साइड और ये आगे मेरी ट्रैम। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आई थी, जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, मुझे याद नहीं हो रहा था भाई कैसे कहाँ से ट्रैम पकड़ने, क्या कुछ सीन है, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन समझ नहीं आता, काफ़ी मुश्किल है। मतलब सिटी में समझ नहीं आता, बड़ा घिचड़ पे चढ़ सा है। पहले दिन तो मैं लिटरली आधा घंटा सिर्फ यही फिगर आउट करने में लग गया था मुझे कि कैसे कैसे जाना है। तो फिर मैंने निशानी बनाई थी कि वोडाफोन के सामने से मुझे ट्रैम लेनी है, और टेलस्ट्रा दिख रहा है क्या, कहाँ गया, टेलस्ट्रा है गाइस ये सामने, टेलस्ट्रा के ऑपोजिट से लेनी है। तो ऐसा निशानी बनाई थी, और आगे मेरी ट्रैम। तो जी ये आ गई मेरी ट्रैम। जनरली इस टाइम पे ये पूरी भरी होती है, पर आज उतनी नहीं भरी हुई। तो क्या करना है, पहले लोगों को निकलने देना है, और निकलने के बाद जो बाहर खड़े हैं फिर वो अंदर जाएंगे। मेरे को एक स्टॉप के बाद ही उतरना है, इसलिए मैं इतनी दर्द नहीं ले रही सीट की मिलने की, वरना तो मैं छीन भी लेती हूँ सीट। तो गाइज ये उतर गए मैं स्टॉप पे, और ये सामने लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है, मेरा हाथ फॉलो करो, ये वाली, ये है ATMC कॉलेज। तो इसमें पढ़ते हैं हम, लंबी सी खंबी सी बिल्डिंग में। तो ट्रैम स्टॉप बिल्कुल कॉलेज के बाहर ही है, विच इज़ कन्वीनियंट। तो आना जाना इजी है, जिसको समझ आ जाए कि भाई कैसे ट्रैवल करना है। तो ये रहा आपका कॉलेज, जिन लोगों ने भी यहाँ पर आना है। और उसके बाद थोड़ा जूम इन करके देख लो वैसे आगे जाके दिखाऊंगी। तो ये जा रहे हैं पुलिस वाले, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तो लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई नहीं है, क्रॉस कर लिया। तो ये आ गए हम अपने कॉलेज के पास। ऐसा मत सोचना इन्होंने गेट नहीं लगा रखा, ट्रांसपेरेंट गेट है, चलो दिख ही गया होगा। ये इनका ड्रेस है, खुल जा सिम सिम। और ये आ गई हमारी एंट्रेंस। तो एंट्रेंस कुछ ऐसी है, साइड में ये रिसेप्शन है, और वहाँ सामने जो क्लासरूम बने हुए हैं वहाँ पे मेरी ओरिएंटेशन हुई थी, मतलब हमारी ओरिएंटेशन हुई थी। यहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठते, साइड में सोफ़ा एरिया। और ये चले हम अपनी क्लास में। ये वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा आधा घंटा लेट हूँ मैं क्लास के लिए। 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 9 बजे मैं पहुँची हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है। मैं पहले भरूंगी अपना पानी और फिर जाऊंगी क्लास में, वरना बहुत प्यास लगती है यार लेक्चर के बीच में मुझे। तो गाइस देख लो ऐसा कुछ लगता है, ये है कॉरिडोर। तो आप इस कॉरिडोर को खोलोगे, क्लासेस चल रही हैं। आपको एक क्लासरूम दिखा दूंगी खाली, पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। यहाँ पे अंधेरा है, कोई आता नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं ही चलाती हूँ हमेशा। कि यहाँ पे ऐसे मतलब स्टूडेंट्स के लिए दिया होता है, टीचर्स के लिए फ्रिज, माइक्रोवेव एंड देन पानी भरने के लिए। तो मैं यहाँ से पानी भर लेती हूँ। ठना अब अच्छे बच्चों की तरह जैसे लाइट बंद थी वैसे ही बंद कर देंगे। चर चर कर रहा है। सो गाइस दिस इज हाउ अ क्लास लुक्स। लाइट जला के दिखा देती हूँ। यस सो गाइस दिस इज़ हाउ अ क्लास लुक्स। और यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ वाइट स्क्रीन पे दिखता है, सामने टीचर बैठते हैं, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, और ये स्टूडेंट्स की सिटिंग है। और यहीं कहीं आसपास आपको वो भी मिल जाएगा, चार्जिंग प्लग, जहाँ पे हम अपने लैपटॉप्स लगाते हैं। इधर तो दिख नहीं रहा पर वैसे होता है जनरली। तो गाइस हाँ ऐसा ही दिखता है क्लासरूम यहाँ पे। क्लास के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ।
तो अभी क्लासरूम में एंट्री का तो मैं नहीं बना पाऊंगी, ऑब्वियसली बहुत जनता होगी मेरी, उसका तो नहीं बना पाऊंगी, बट हाँ ट्राई करूंगी बाद में बनाने का। जस्ट बेयर विद मी, क्योंकि मैंने आपको क्लासरूम तो दिखाई थी ना यार, वही तो देखनी थी। अब बच्चों से भरे हुए क्लासरूम कैसे दिखाऊं जब टीचर पढ़ा रहे हैं, तो समझ रहे हो ना। अब आगे मेरी क्लास, बहुत बुरा कट गया भाई, बहुत बुरा कट गया, क्लास ही कैंसल हो गई है, सब बच्चे चले गए। पर ना गुस्सा आता है ना जब हम अपना काम छोड़ के आते हैं और ये लोग ऐसे करते हैं यार, दिमाग खराब। हेलो फ्रेंड्स, नमकीन खा लो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यहाँ पे बैठे बैठे। ये मेरी क्लास के बाहर में सोफा लगा हुआ है, यहाँ पे मस्त मज़े आते हैं। ओह वाह, मेरे को एंगल्स नहीं पता कौन से एंगल से कैमरा पकड़ना है, मतलब कहाँ से क्या वीडियो बनानी है समझ नहीं आता। सबसे खटारा एंगल जो होगा ना वहाँ से बनाऊंगी। तो ये पीछे बस ऐसे ही बैठने के लिए दिया हुआ है। अभी क्लास में लेके जाती हूँ आप सबको, दिखाती हूँ कौन कौन मेरे जैसे हैं जिनको पता नहीं था कि क्लास कैंसिल हो गई और आ गए हैं। तो गाइज़ ये है ATMC का स्टूडेंट कॉमन एरिया, जहाँ पे बैठ के सारे स्टूडेंट्स खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं फ्री टाइम में, ब्रेक टाइम में। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मतलब ओवन से लेके मतलब पूरा किचन ही लगा लो, यहाँ पे खाना गर्म करो, बैठ के गेम्स खेल लो, कुछ भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पे वो भी थी एक मशीन से जिसमें से वो निकलते हैं कोको कोला वगैरह, उसका नाम वेंडिंग मशीन है शायद वो, और ये बाहर का देख लो। तो चलो गाइज यहाँ से तो चलते हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया बाय बाय खाने की जगह, और फिर यहाँ से निकल के ये 7th फ्लोर पे है इनका, और यहाँ से निकल के ये लेफ़्ट में वही सेम किचन जो मैंने आपको नीचे दिखाई थी वैसी सी है सेम, और राइट हैंड साइड पे ये मतलब बड़ा सा हॉल टाइप लगा लो, यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह होते हैं जितने भी लगते हैं, और क्लासेस भी लगती हैं मतलब सेमिनार्स भी, तो क्योंकि ज़्यादा बड़ा है ना तो यहाँ पे ज़्यादा सेटिंग है। वो देखो ऊपर वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर भी दिख रहा होगा, तो वो उसी के लिए है। और साइड में ये देख लो राइट हैंड साइड पे ATMC का बोर्ड लगा, और इसमें इनका अपना कुछ कुछ एकेडमिक प्रोग्रेशन, इंडस्ट्री रेडीनेस और वो सब, समझ रहे हो ना, तो वो सब है। तो फिर वहाँ से घुस के और यहाँ से एग्ज़िट, देखी देखी दरिया दिली इस क्यूटी की, थैंक यू क्यूटी, ये पक्का यहाँ पे प्रोफेसर होगी। हाँ प्रोफेसर ही होगी, नहीं स्टूडेंट भी हो सकती है यार, वो कहते हैं ना देर इज़ नो एज लिमिट ऑफ लर्निंग, तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट गाइस, कुछ भी हो सकता है। गाइस कमेंट में लिख दो जिस चीज़ को मेरी ट्रैम दिखाई दे रही है। तो गाइस ट्रैम आ चुकी है और इसमें मैं अब जाऊंगी फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन, तो अब इसमें बैठो और चलो मेरे साथ। तो गाइस आज की वीडियो मेरे ख्याल से तो बस यहीं तक थी, क्योंकि मैंने आपको अपना कॉलेज का टूर देना था जो कि मैं RMIT का नहीं दे पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने जो ये हिम्मत करी है, मेरे को बताना मेरी हिम्मत सही रही या नहीं, या फ्लॉप हो गई या फिर बेकार बनाई मैंने ये वीडियो, या कुछ ना मतलब नया ट्राई करने की कोशिश करी है, बट बताना यार कैसी बनी है, थोड़ा सा प्रोत्साहन दे देना। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ।